हेलो आवाज आ रही है सभी को ये सर तकलीफ में कोई कमी किसी की नहीं चलो जी अच्छो गुड आफ्टरनून अगर आपको याद हो तो वी हैव स्टार्टेड विथ हंड्रेड एंड फिफ्टीन पी ठीक है विच इज़ नाउ कॉल्ड एज अ डिफॉल्ट टैक्स स्कीम भारत के सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड आगे बढ़ते हैं राइट right? uh, सभी लोगों ने आई होप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया होगा सॉरी मैं कल टारगेट देना भूल गया था राइट माई एक्चुअली माई डैड इज हॉस्पिटलाइज तो मैं टारगेट देना भूल गया था कल आपको राइट right? तो लेटेस्ट स्टार्ट आज से वो वापस चालू हो जाएगा 115 एंड फिफ्टीन हम लोगों ने चालू किया था नाउ ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है बोलो जल्दी से इंडिविजुअल एच यू एफ एओपी बीओ आई एजीपी राइट रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट दोनों इस सेक्शन को ले सकते हैं यस न्यू स्लैब रेट आए हैं अंडर वन ए सब सेक्शन ए अप टू थ्री लाख रूपीज नील थ्री लाख टू सिक्स लैख फाइव परसेंट शॉर्टकट कितना बनेगा पंद्रह हजार बराबर है फिर सिक्स लैख टू नाइन लैख कितना बेटा टेन परसेंट

सेवन लैक द रिबेट इज अवेलेबल हंड्रेड परसेंट ऑफ टैक्स और ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है फिर हम लोगों ने बात करी थी रिबेट अवेलेबल नहीं है हंड्रेड एंड ट्वेल्व ए में से फिर हम लोगों ने बात करी थी कि अब रिबेट के साथ साथ यहाँ पे क्या आ गया है मार्जिनल रिलीफ मतलब रिबेट के साथ मार्जिनल रिलीफ आया है बात समझिएगा ठीक है कल हमने इसके ऊपर एक एग्जाम्पल लिया इसी एग्जाम्पल को आज फिर से पढ़ के वापस कंटिन्यू करते हैं ठीक ये ठीक है बेटा अब सुन सोचो मैं एक बार ये सब डिलीट कर देता हूँ कलम ने जितना भी लिखा था रिबेट प्लस मार्जिनल रिलीफ नाम का कंसेप्ट लेकर के आए हैं सोचिए सर अगर मेरी इनकम सेवन लाख ट्वेंटी थाउजेंड रही स्टार्टिंग अप ऑफ द डिस्कशन अगर मेरी इनकम सेवन लाख ट्वेंटी थाउजेंड रही तो आप सोच समझ करके बताइएगा क्या मेरे को टैक्स लग जाएगा यस रिबेट मिलने वाला नहीं है बिकॉज द इनकम एक्सीड सेवन अब अगर नए स्लैब के हिसाब से देखें नए स्लैब के हिसाब से देखें प्लीज कैलकुलेटर पे टैक्स कैलकुलेट कीजिए सिक्स लाख ,00 तक के तो फोर्टी फाइव थाउजेंड आएगा ही वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड टोटल टैक्स कमिंग टू पहले तीन लाख तक के नील नेक्स्ट थ्री लाख पे फाइव या या फिफ्टीन थाउजेंड बचे लाख पे परसेंट। ये कितना प्लस एच ई सी वन जीरो, एट जीरो। तो आपका टैक्स बन जाता है टू एट, एट जीरो बट अगेन यहाँ पे हमारे साथ वही दिक्कत आ रही थी दिक्कत क्या थी

इंट्रोड्यूस किया है 115 BAC में ये इंट्रोड्यूस किया है अब लॉ यहां पे ना एक और बात कहता है आप लोगों के अटेम्प्ट के लिए आप लोगों के अटेम्प्ट के लिए इसकी एक फाइनेंशियल लिमिट भी रखी गई है जो मैंने आपको बुक में इंक्लूड करके दी है चेक करो अगर आप 115 BAC देखेंगे तो यहां पे देखो एक लिमिट मैंने आपको लिख करके दी है 727770 ये वो है जिसके ऊपर रिबेट प्लस मार्जिनल रिलीफ मिलने वाला नहीं है यस लेट मी गिव यू एन एग्जांपल सबसे पहले मार्जिनल रिलीफ इन केस इनकम स्लाइटली एक्सीड 7 लाख ठीक है द रिबेट अंडर 87 ए सब्जेक्ट टू मार्जिनल रिलीफ फ्रॉम दी असेसमेंट ईयर 2425 इफ नेट इनकम एक्सीड 7 लाख बट डज नॉट एक्ससीड्स 727770 इनकम के नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ विच नेट इनकम एक्सीड सेवन लैख ठीक है अंडरस्टैंड मेरा टोटल इनकम ही सिक्स लैख नाइन टू थाउजेंड है टैक्स इनकम ही अगर चलो मेरा इनकम सेवन लैख ट्वेंटी थाउजेंड है अब क्या होगा हम जैसे मार्जिनल रिलीफ निकालते हैं बिल्कुल वैसे निकालेंगे टैक्स अब तो रूपीज सेवन लैख एड टोटल इनकम माइनस सेवन लाख, टोटल इनकम माइनस सेवन लाख, कितना आ जाएगा बेटा? इस पे सीधा सी करेंगे, आपका फाइनल टैक्स के नॉट एक्सीड ट्वेंटी थाउजेंड एट हंड्रेड बात समझ में आ रही है सभी को यस नेक्स्ट सेवन ट्वेंटी फाइव खुद ट्राई करो चलो सेवन ट्वेंटी फाइव खुद ट्राई करो बुक में मैंने लिख रखा है सिर्फ कैलकुलेटर पे ट्राई कर लो याद मार्जिनल रिलीफ कब तक के है या ना कैसे निकाला विजय ने भैया ट्वेंटी सेवन सेवन सेवेंटी तक के तो मार्जिनल रिलीफ है सात लाख को बाजू करो ऊपर के कितने आ रहे ट्वेंटी फाइव तो सीधा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड प्लस टेन परसेंट जोड़ दो ना भाई सॉरी प्लस फोर परसेंट इज इट ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड टैक्स पेबल कैन नॉट एक्सीड 26,000 समझ में आया एवरीबडी जितने लोग ऑनलाइन ऑफलाइन है सबको समझ में आया यस yes. देख लीजिए ये हम लोगों ने किया तीनों एग्जाम्पल ले लिया तो विथ मार्जिनल रिलीफ मैक्सिमम कितना लिमिट है ट्वेंटी ये यहाँ पे क्लियर कट दे के रखा है रजिस्टर में आओ जहाँ पे आप लिख रहे थे लास्ट चीज जो आपने लिखी होगी होगी रिबेट ना अब लिखिए रिबेट विथ मार्जिनल रिलीफ अब लिखिए रिबेट विथ मार्जिनल रिलीफ रिबेट विथ मार्जिनल रिलीफ Marginal relief is available along with rebate till an amount of rupees seven lakh twenty seven thousand seven seventy. For example, if total income is seven lakh. ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड द टैक्स पेएबल आफ्टर मार्जिनल रिलीफ शैल बी चलो निकालो फटक से दो मिनट में कैलकुलेटर पे आ जाएगा विल दिस बी ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड प्लस फोर परसेंट

तो आपका टैक्स पेबल जो बनेगा वो बनेगा ट्वेंटी सेवन जीरो फोर्टी चलो अमेंडमेंट सभी को समझ में आया किस तरीके का अमेंडमेंट है क्या है कैसा है आ जाओ कितने अमेंडमेंट डिस्कस हुए अब तक पहला एस दूसरा स्लैब चेंज तीसरा रिबेट चेंज चौथा रिबेट विथ मार्जिनल रिलीफ चार अमेंडमेंट समझ में आ गए सभी को ठीक है आ जाओ वापस से नोट्स के ऊपर ये दोनों थोड़ा साथ साथ में चलाने पड़ेंगे एज ऑफ नाउ प्लीज चेक करिएगा मैं हूं हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी विच इज नाउ कॉल्ड एज अ डिफॉल्ट स्कीम सबसे पहले आप लोग को ये बताया कि भैया कौन से एस एस सी के लिए कौन सा डिफॉल्ट स्कीम लाया गया है क्लियर कट लिख के दिया फर्म एल एल पी लोकल अथॉरिटी फॉरन कंपनी इनके लिए कोई ऑल्टरनेटिव स्कीम अभी अवेलेबल नहीं है ठीक है फिर चालू किया 115 BAC को 115 BAC अब किसके लिए अवेलेबल है इंडिविजुअल हैज ऑप्शन टू ऑप्ट फॉर टैक्सेशन अंडर 115 BAC आज भी यही वर्ड लिखा है ऑप्शन क्योंकि ये तो डिफॉल्ट है आपके पास स्टिल ऑप्शन है कि आप कहां चले जाओ ओल्ड स्कीम वो ऑप्शन आपको कब सिलेक्ट करना है बिफोर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम वो ऑप्शन आपको कब सिलेक्ट करना है बिफोर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम क्लियर है

लीव कंसेशन छोड़ना होगा दूसरा एच छोड़ना होगा एच याद दिलाता हूं आपको क्या करता हूं आपको एच याद दिलाता हूं राइट कौन कौन सी चीजें बोलो अच्छा एक मिनट रुक जाओ ऑनलाइन कुछ बच्चे सबसे पहली बात तो जितने बच्चे ऑनलाइन है मैं चौथे दिन आपसे वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज ये ना अननेसेसरी चैट मत किया करो ठीक है फिर बच्चे पूछ रहे हैं सर वो सेवन ट्वेंटी सेवन सेवन सेवनटी क्या है अब वो एक मैक्सिमम अमाउंट है तब जब तक कि आपको मार्जिनल रिलीफ लगाना है अगर इनकम आपकी 727, 770 से ऊपर गई तो मार्जिनल रिलीफ विथ रिबेट वाला कंसेप्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है बराबर है सो लेट्स से इफ द इनकम इज सेवन लैख थर्टी थाउजेंड तो आपको वो रिबेट विथ मार्जिनल रिलीफ कंसेप्ट मिलेगा ही नहीं समझ तो में बात ये चीज आपको बोला यस yes? चलो वापस से आ जाओ आपको 115 बीएससी में क्या क्या छोड़ना है सबसे पहली चीज लीव ट्रेवल कंसेशन छोड़ना है दूसरा हाउस रेंट अलाउंस चलो हाउस रेंट अलाउंस थोड़ा बहुत मैं याद दिलाता हूं क्या था याद करके देखो लोअर ऑफ थ्री थिंग एक्चुअल फिफ्टी और फोर्टी परसेंट ऑफ सैलरी तीसरा रेंट पेड माइनस टेन परसेंट ऑफ सैलरी ऐसा कुछ सैलरी में हुआ करता था तो एचआर का जो बेनिफिट है ये भी आपको छोड़ना पड़ेगा। तीसरी अच्छा, का छोड़ना पड़ेगा पड़ेगा तीसरी अच्छा का बेनिफिट क्या मैं इसे अलग शब्द में एमसीक्यू में पूछू इफ एस एस सी ऑप्टेड हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी एसी एच आर ए विल बी फुल्ली टैक्सेबल डू यू अग्री यस जब एग्जामेशन मिल ही नहीं रहा तो एचआरए क्या हो जाएगा फुल्ली टैक्सेबल बात समझ में आ रही है तीसरा एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स अमेंडमेंट 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 दिस द फिफ्थ वी आर गोइंग थ्रू पिछले साल तक के ऐसा होता था कि पे कौन से तीन थे? याद आ है आपको राइट right? तीन डिडक्शन हुआ करते थे पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन दूसरा एंटरटेनमेंट अलाउंस तीसरा प्रोफेशनल टैक्स

क्योंकि पिछले साल तक के क्या सिचुएशन होगी कर दिए स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं देते थे अब क्या चेंज हो जाएगा standard deduction देंगे, समझ में आ रहा है क्या चेंज हुआ तो अब वो कहते हैं जो है ये नहीं मिलने वाला, मतलब standard deduction मिले? देखिए, देखिए, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन को मैंने यहाँ ला लिया पिछले साल तक के मेरी बुक में यहां था मैंने उसको यहां शिफ्ट किया समझ में आया नेक्स्ट, फ्री फूड बेवरेजेस वाउचर्स याद होगा तो फिफ्टी रुपीज पर मिल तक का है फ्री फूड का नहीं मिलेगा टोटली टैक्सेबल हो जाएगा 10 -14. 10 -14 के अंदर के कुछ नहीं मिलेंगे अब आप ये पूछेंगे सर 1014, फोर्टीन के अंदर में कौन से अलाउंस थे याद दिला तो एक ही एग्जाम्पल याद आ जाएगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना एग्जाम्स था याद करो हंड्रेड रुपीज पर चाइल्ड पर मंथ सब्जेक्ट टू चाइल्ड अलाउंस भी था इसमें याद आ रहेगा थ्री हंड्रेड पर चाइल्ड पर मंथ सब्जेक्ट टू चाइल्ड वो सारे अलाउंस की जो लिस्ट थी वो मिलने वाली नहीं है समझ में आ रही बात यानी वो अलाउंस सब क्या हो जाएंगे टैक्सेबल अब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जितने प्रॉब्लम में था नवंबर 23 तक के अब डिफॉल्ट स्कीम आया तो क्या हो गया

एचपी से दो चीजें छोड़नी है इस पॉइंट को एक्सट्रीम केयर के साथ सुनना हाउस प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत पहले याद दिलाता हूं आप लोगों को ठीक है हाउस प्रॉपर्टी पहले थोड़ा बहुत याद दिलाता हूं सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता था इसमें से क्या माइनस करते थे म्यूनिस्पल टैक्स इसमें से क्या माइनस करते थे स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ थर्टी परसेंट और दूसरा आईओ बी सी दैट्स को अराइव करते थे क्या तुम्हें याद है दैट्स हाउ हम एचपी को अराइव करते थे चलो कुछ और बातें फर्दर पूछता हूं अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी थी तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन कितना मिलता था टू लैक्स और डीम लेट प्रॉपर्टी के लिए पूछता तो ये टू लैख थर्टी थाउजेंड था या अनलिमिटेड था अब सुनो हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी क्या बोलता है Property का थर्टी थाउजेंड है वो मिलने नहीं वाला रिस्ट्रिक्शन सिर्फ property पे है। वापस से सुनो, वापस से से सुनो, सुनो। बहुत गहरी नींद में हो के वापस जाओ एसओपी डीएलओपी एसओपी का जो टू लैक या थर्टी थाउजेंड है ना वो नहीं मिलेगा एलओपी के लिए कोई बात नहीं की गई है मतलब अगर मैं सैलरीड एम्प्लॉयड हूं एसओपी क्लेम कर रहा हूं जीएवी विल बी नील 115 बी को थोड़ा सा थॉट थोड़ दो जीएवी विल बी नील एसओपी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जीएवी विल बी नील म्यूनसिपल टैक्स विल बी नील एनएवी विल बी नील स्टैंडर्ड डिडक्शन विल बी नील आईओबीसी विल बी नील समझ में आया क्या अंडर 115 बी क्योंकि एसओपी का आईओबीसी नहीं मिलता क्या 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 वापस बोलो एसओपी का आईओबीसी नहीं मिलता समझ में आया एसओपी का आईओबीसी नहीं मिलता तो अब अगर तुम एसओपी के लिए कैलकुलेट करोगे याद होगा तो कोई भी दो घर के लिए कोई भी दो घर के लिए तुम्हारा जीएवी क्या रहता था नील म्यूनसिपल टैक्स नील एनएवी एवी नील स्टैंडर्ड डी सी टू लैक या थर्टी थाउजेंड हुआ करता था अगर हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी में आ रहे हो तो वो भी नील पकड़ना है वो भी क्या पकड़ना है अमेंडमेंट समझा ऐसा कुछ एलओपी के लिए नहीं है तो एलओपी के लिए तुम आईओबीसी लेते आए थे लेते रहोगे 115 बीएसी और डू नॉट ऑप्ट फॉर 115 बीएसी। सबको समझ में आया क्या पक्का ऐसे कैसे समझा बोलो नहीं समझा मैं एक और बार समझाऊंगा हाउस प्रॉपर्टी ब्रॉट इन टू टू पार्ट एसओपी एलओपी डी एल ओपी डी एल ओपीयर इन आफ्टर कॉलेज एल ओपी ठीक है चलेगा ठीक है पी, पी, पी के अंदर में याद करके देखो सब कुछ मिलता सिर्फ आई आईओबीसी मिलता था टू लैक या थर्टी थाउजेंड याद आ रहा है जितने बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं सबको याद आ रहेगा बेटा एलओपी के अंदर में सब कुछ अनलिमिटेड था इन्होंने एलओपी को हाथ ही नहीं लगाया कभी भी एलओपी जैसा था वैसा है मतलब ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम आई आईओबीसी का डिडक्शन मिलेगा ठीक है ये को बाजू कर दो एसओपी एसओपी में जो आईओबीसी का ही एक डिडक्शन अवेलेबल था वो इन्होंने बोला देने वाले तो जो टू लैखी थाउजेंड मिला करता ओल्ड स्कीम के अंदर में वो न्यू स्कीम हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी एस सी में मिलने वाला ठीक है एक और सवाल पूछो क्या याद होगा तो एच लॉस दूसरे हेड से मैक्सिमम टू लैक्स तक के सेट ऑफ होता था अब अगर ये यही मिलने वाला नहीं है तो वो सेट ऑफ होने वाला इस अमेंडमेंट का इम्पैक्ट उधर भी पड़ेगा क्या समझ में आया तो अगर एसओपी से आईओबीसी का अगर लॉस है तो वो लॉस भी फिर सेट ऑफ होने वाला नहीं है ठीक है चलो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24 फोर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इंटरेस्ट अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर इससे रिलेटेड सेट ऑफ भी अलाउड नहीं है तो अगर पहले आप क्या करते थे एसओपी क्लेम करते थे एसओपी का लॉस आता था दूसरे हेड से दो लाख तक के एडजस्ट करते थे अब जब एसओपी का ही डिडक्शन नहीं मिलने वाला आईओबीसी का तो लॉस भी नहीं आएगा जब लॉस आएगा ही नहीं तो सेट ऑफ क्या होगा बात समझ में आ रही है लॉस आएगा ही नहीं तो सेट ऑफ क्या होगा चलो अब बिना नीचे देखे मैं इसमें आज का पूरा लेक्चर लगा दूं आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जितने बार रिपीट करूंगा उतने बार रिपीट करना सैलरी से पांच बार पांच चीजें छोड़नी है लिव एंड कैशमेंट एच एंटरटेनमेंट अलाउंस प्रोफेशनल टैक्स फ्री फूड टेन फोर्टीन वाले चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हॉस्टल अलाउंस वाले याद आ रहा है? वो सब छोड़ देना है ठीक है? एचपी से क्या छोड़ना है आईओबीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ एसओपी छोड़ देना है ठीक है? इससे कोई भी भी होगा, वो भी set off करने का नहीं, तो में आपको डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट का आप 115 ले या 115 ना ले क्लियर है अब आते हैं पबजी के ऊपर पबजी में भी कुछ चीजें छोड़नी है पबजी में क्या क्या छोड़ना है साहब पबजी में पहली चीज छोड़नी है एडिशनल डेप्रिसिएशन चलो थोड़ा थोड़ा याद दिलाता हूं अभी आपको ये अंदर के कंटेंट हो सकता है कई बच्चों को याद भी ना हो क्योंकि नहीं हो सकता है उन्हें डिटी में इंग्लिश पढ़ा हो किताब पढ़ी हो कंसेप्ट नहीं तो सुनना नहीं भी याद आ रहे तो ओके हमारा जब आएगा तब आपको याद आ जाएगा कोई तकलीफ नहीं है सुनना एडिशनल डेप्रिसिएशन एडिशनल डेप्रिसिएशन कहीं तो बड़ा सा लगता है माँ कसम

20% याद आ रहेगा हाँ तो तुम अच्छे पोजीशन पे हो थोड़े से डेप्रिसिएशन तो मिलना ही है बिकॉज़ डेप्रिसिएशन इज मैंडेटरी एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा अगर आप 115 बीएससी ऑप्ट करते हैं तो दूसरा डिडक्शन अंडर सेक्शन 32 एडी 33 एबी AB, 33 एबीए ये तीनों भी सीए के सिलेबस में नहीं है इंटर लेवल पे थर्टी टू तो अब जा चुका है थर्टी थ्री ए बी थर्टी थ्री ए बी ए टी कॉफी डेवलपमेंट अकाउंट है तो इसको तुम नहीं भी पढ़ोगे, तो चलेगा सी एस सी एम इंटर नेक्स्ट आता है वेरियस डिडक्शन फॉर डोनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च अंडर थ्री वन ऑफ सबसे क्लास टू टू ए थ्री वन ऑफ सब सेक्शन टू डब्ल्यू ऑफ सेक्शन थर्टी ये लिखा क्या है चाय पिलाओगे प्यार से समझाऊंगा चाय पिलाओगे पक्की पक्की बात हाँ चाय पिलानी पड़ेगी तो सुनो सेक्शन थर्टी फाइव को रिकॉल करते हैं आराम से चलना मेरे साथ धीरे धीरे सेक्शन थर्टी फाइव मतलब साइंटिफिक रिसर्च था साइंटिफिक रिसर्च के अंदर में दो बातें थी इन हाउस रिसर्च डोनेशन टू अदर्स याद आ रहा है क्या इन हाउस रिसर्च के अंदर में कैपिटल एक्सपेंडिचर भी चलता था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी चलता था हंड्रेड परसेंट डिडक्शन मिला करता था बराबर डोनेशन टू अदर्स में मैं याद दिलाता रहा हूँ नेशनल लेबोरेटरी आई आई टी हंड्रेड परसेंट सोशल स्टैटिस्टिकल रिसर्च हंड्रेड परसेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन हैविंग मेन ऑब्जेक्ट एज रिसर्च हंड्रेड परसेंट तुम से ही बात कर रहा हूँ हाँ या ना तो बोलो याद आ रहा क्या तो साइंटिफिक रिसर्च में ऐसे दो पार्ट थे इन हाउस एक्सपेंसेस डोनेशन टू अदर वापस से बोलो हाथ लो हाथ लो हाथ लो अपना दो पार्ट थे हाँ इन हाउस एक्सपेंसेस डोनेशन टू अदर्स बराबर है इन हाउस एक्सपेंसेस डोनेशन टू अदर्स अब ध्यान से सुनना इन हाउस एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलेगा यू ऑप्ट और यू डो नॉट ऑप्ट फॉर हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी डोनेशन टू अदर वाले तभी मिलेंगे मिनट वापस वापस, वापस 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 दो पार्ट. In -house, donation to other. In -house का deduction मिलेगा बराबर है यानी जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मिलता था कैपिटल एक्सपेंडिचर मिलता था सब मिलेगा डोनेशन टू अदर मतलब नेशनल लेबोरेटरी आईआईटी

डोनेशन टू अदर्स तभी मिलेगा वेन यू डू नॉट ऑप फॉर हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी एस कलर लक्का कलर लड़ो समझ में आएगा वहां पे क्या लिखा है डोनेशंस समझ में आया क्या इन हाउस लिखा ही नहीं है वहां पे लिखा है डोनेशन और डोनेशन के कितने क्लॉस थे चार अरे वन टू थ्री फोर गेट ऑन द डांस फ्लोर याशनल लेबोरेटरी आई आई टी अप्रूव एसोसिएशन कॉलेज मेन ऑब्जेक्ट रिसर्च सोशल एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च तो वो चारों तभी मिलेंगे व्हेन यू डू नॉट ऑप्ट फॉर हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए सी आहो नेक्स्ट है डिडक्शन अंडर सेक्शन थर्टी फाइव ए डी थर्टी फाइव एडी स्पेसिफाइड बिजनेस वो वेयरहाउस हॉस्पिटल विथ हंड्रेड बेड्स हाँ उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा इफ यू ऑप्ट फॉर हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए थर्टी फाइव ची 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 एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा इफ यू ऑप्ट फॉर हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए सी ठीक है चलो एक बार लिस्ट को याद कर लेते हैं पीजीबीपी में क्या क्या छोड़ना है पहला एडिशनल डेप्रिसिएशन दूसरा थर्टी टू ए थर्टी थ्री ए बी वाले डिडक्शन तीसरा डोनेशन टू अदर साइंटिफिक रिसर्च फॉर साइंटिफिक रिसर्च चौथा स्पेसिफाइड बिजनेस एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट याद आया सभी को यस yes. चलो स्टार्ट फ्रॉम जीरो सैलरी से पांच चीजें छोड़नी है एंटरटेनमेंट प्रोफेशनल टैक्स प्री फूड टेन फोर्टीन वाले सैलरी एकदम परफेक्ट आ गया एचपी से क्या छोड़ना है आईओबीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ एसओपी खत्म तीसरा पीजीबीपी से क्या क्या छोड़ना है एडिशनल डेप्रीसिएशन थर्टी टू ए डी थर्टी थ्री ए बी साइंटिफिक डोनेशन टू अदर्स वाला पार्ट चौथाफाइड बिजनेस एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्टीडे कैपिटल गेन से क्या छोड़ना है कुछ नहीं कैपिटल गेन अकेला ऐसा हेड है जिसको कोई सेक्रीफाइस नहीं करना फिर स्ट्रेट अब आते आई एफ ओ एस आई एफ ओ एस का एक पॉइंट याद दे रहा था फैमिली पेंशन जो होती थी वो आई एफ ओ एस में टैक्सेबल होती थी पेंशन

मेरे को उस चैप्टर में जान दो याद आ जाएगा कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे हैं जिनने मेरे से पहले से पढ़ा है तो उनको याद आना चाहिए ये चीज ठीक है बाकी आप टेंशन मत लो यस राइट सर तो लीव एंड कैशमेंट क्यों बोल रहे हो अरे लीव एंड कैशमेंट मैंने वर्ड यूज नहीं किया आप लीव एंड कैशमेंट समझ रहे हो मैंने लीव ट्रेवल कंसेशन बोला राइट लीव एंड कैशमेंट नहीं बोला तो भैया प्लीज ध्यान से सुनिए हाँ जी सर लीव लीव ट्रैवल कंसेशन का बेनिफिट है नहीं चलो सुनो आई एफ ओ एस में से क्या छोड़ना है वो जो फैमिली पेंशन का डिडक्शन था ना वो नहीं मिलने वाला वो थर्टी थ्री डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली पेंशन मिलने वाला नहीं है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली पेंशन मिलने वाला नहीं है ये सोनो राइट फिर आता है डिडक्शन डिडक्शन के अंदर में एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स ए। चैप्टर सिक्स ए के मैक्सिमम डिडक्शन नहीं मिलने वाले अब आप मानके चलो डिडक्शन का भी जो चैप्टर है वो टोन डाउन हो जाएगा इस पर्टिकुलर की वजह से क्योंकि चैप्टर सिक्स ए के मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड नहीं है मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड नहीं है पर चार अलाउड है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब स्पेसिफिकली एक्शन टू बराबर दूसरा ए न्यू एम्प्लॉयमेंट के लिए और इस साल से एक नया अमेंडमेंट आया है ए टी सी सी एच टू बी मोर स्पेसिफिक एच सबसे टू ए जो है ये नया आया है ए सी सी एच जो है ये क्या आया है नया आया नेक्स्ट है बेटा डेप्रीसिएशन अलाउड है चैप्टर सिक्स के डिडक्शन मिलने वाले नहीं है फिर आते हैं एग्जामेशन चैप्टर से भी कुछ चीजें छोड़नी है सबसे पहले एम पी एम एल ए का अलाउंस सेक्शन टेन सेवनटीन के अंदर में एम पी एम एल ए को कौन सा अलावंस मिलता है डेली तो जो डेली अलाउंस है एम पी एम एल ए का वो एग्जामेशन मिलने वाला नहीं है दूसरा टेन थर्टी टू माइनर का एग्जामेशन याद होगा तो वेनेवर माइनर्स इनकम क्लब होती है माइनर्स इनकम क्लब होती है, तो पंद्रह सौ रुपए पर चाइल्ड का एग्जामेशन मिलता था ये मिलने वाला नहीं है यानी माइनर की इनकम कंप्लीटली क्या हो जाएगी टैक्सेबल अंडर 115 एंड बी ए सी थर्ड अंडर एक्सामिशन याद होगा तो एस हुआ करता था पहले पांच साल हंड्रेड परसेंट माफ नेक्स्ट पांच साल फिफ्टी परसेंट प्रॉफिट माफ प्रॉफिट फ्रॉम अ यूनिट इन एक्सपोर्ट टर्न ओवर डिवाइडेड बाई टोटल टर्न ओवर वाला फॉर्मुला था टेन डबल ए का भी एग्जामिशन मिलने वाला नहीं है टेन डबल ए का भी एग्जामेशन मिलने वाला नहीं है यस yes ये no? चलो ये चीजें आपको छोड़ देनी है ये चीजें आपको मिल जाएंगी सैलरी में क्या क्या छोड़ना है लीव ट्रैवल कंसेशन एचआरए एंटरटेनमेंट अलाउंस प्रोफेशनल टैक्स फ्री फूड 10-14 वाले चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एचपी में क्या छोड़ना है आई इन केस ऑफ एसओपी पीजीबीपी में क्या क्या छोड़ना है एडिशनल थर्टी टू 33एबी थर्टी थ्री एबी डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च टू अदर्स थर्टी फाइव एडी थर्टी फाइव सी 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 फिर कैपिटल गेन में कोई सेक्रीफाइस नहीं फिर आई एफ ओ एस फैमिली पेंशन बराबर है फिर डिडक्शन में चैप्टर सिक्स ए हालांकि कुछ के मिल जाएंगे ए

मिल जाएंगे इज दैट डन यस आओ अब एक और कंडीशन है कंडीशन क्या है अभी अभी हम लोगों ने एक लिस्ट पढ़ी कि कौन कौन से डिडक्शन 115 एंड में से अलाउड नहीं है पढ़ा पढ़ा अरे हाँ या ना अब मुझे एक बात बताओ अगर उसके कारण कोई लॉसेस बैलेंस होंगे तो क्या वो सेट ऑफ होना चाहिए जब डिडक्शन ही आपको अलाउ नहीं कर रहे तो अगर ऊपर के डिडक्शन के कारण कोई होंगे तो वो भी होने या नहीं होने, नहीं होने क्योंकि आपका कोई बैलेंस लॉस था या अनएबर्ब्रीसिएशन था वो भी हम सेट ऑफ करने नहीं देंगे वो भी हम सेट ऑफ करने नहीं देंगे मतलब डिडक्शन तो नहीं देंगे अगर उसके कारण कोई लॉस होगा मी गिव यू सिंपल एग्जाम्पल पिछले साल विजय ने 35 AD क्लेम किया था, जिसके कारण 35 AD में लॉस दिख रहा है पांच लाख का। विजय इस साल 115 BAC लेता है, क्या वो उस लॉस को सेट ऑफ कर सकता है? नहीं। जब 35 AD ही अलाउड नहीं था, तो 35 AD का लॉस भी अलाउड नहीं है। समझ में आई बात? अब पढ़ो क्या लिखा है। Without set off of any loss or carry forward of depreciation from an earlier assessment year, if the same is attributable to any of the deduction referred to in point A above, अगर ऊपर के deduction के कारण कोई loss या unabsorbed depreciation था, तो वो भी आपको set off करने नहीं देंगे। तो ना deduction देंगे, ना उस deduction का कोई loss बचावा होगा, वो set off करने देंगे। समझ में आ रही है बात? Right? अच्छा जी कब एक्सरसाइज करना है सर आपको अलोंग विथ रिटर्न ऑफ इनकम ही इसको क्या करना है एक्सरसाइज करना है कब एक्सरसाइज करना है सर अलोंग विथ रिटर्न ऑफ इनकम ही आपको क्या करना है एक्सरसाइज करना है यस yes. चलो एक लास्ट टाइम पूरी लिस्ट एक्सप्लेन करो 115 बीएससी की सैलरी में क्या क्या छोड़ना है एचआरए एंटरटेनमेंट प्रोफेशनल प्री फूड टेन फोर्टीन वाले सैलरी में सॉरी एचपी में क्या छोड़ना है आईओबीसी इन केस ऑफ एसओपी पीजीबीपी में क्या क्या छोड़ना है डोनेशन थर्टी थ्री ए बी एटसेट्रा थर्टी फाइव ए डी थर्टी फाइव सी 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 याद आ रहा है कैपिटल गेन से कुछ नहीं आईफोस से फैमिली पेंशन वाले चीज छोड़नी है डिडक्शन से चैप्टर 6 ए एक्सेप्ट फ्यू फ्यू में कौन-कौन से आते हैं 80 सीसीडी जेजेएए सीसीएच सीसीएच नया आया है फिर हमने पढ़ा एग्जंपशन से तीन चीजें छोड़नी है 1017 1032 10 डबल ए पक्की बात है ना फिर नीचे देखो ये स्लैब रेट अभी-अभी हम लोग पढ़ के आए हां या ना इस लाइब्रेड भी हम लोगों ने पढ़ लिया है रिबेट भी हम लोगों ने क्या किया है पढ़ लिया है और रिबेट के साथ साथ उसका जो कनेक्टेड टॉपिक है मार्जिनल रिलीफ वो भी हम लोगों ने क्या किया है पढ़ लिया है इज दैट डन इनकी स्पेशल इनकम क्या स्पेशल रेट पे टैक्सेबल होगी यस इनकी स्पेशल इनकम स्पेशल रेट पे ही टैक्सेबल होगी अब आते हैं सरचार्ज लास्ट अमेंडमेंट अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन सर अभी भी खत्म नहीं हुआ नहीं नहीं आखिरी बाकी है आखिरी बाकी है चलो रिवाइज करो मेरे साथ बुक मत पलटो दो मिनट में अमेंडमेंट समझ में आ जाएगा बहुत इजी है इफ माय इनकम डज नॉट एक्सीड फिफ्टी लाख इज देर एनी सरचार्ज इफ द इनकम एक्सीड फिफ्टी लाख डज नॉट एक्सीड वन करोड़ सरचार्ज रेट पक्की बात इफ माय इनकम एक्सीड वन करोड़ बट डज नॉट एक्सीड टू करोड़ द सरचार्ज रेट इज If the income exceed two crore. Crore, crore, crore till five crore, For capital gain and dividend income such as will be 15%. For other income such as will be 25%. If my income exceed 5 crore. Capital gain and dividend income will be 15%. Other income will be 37% amendment 25% in 115 BAC. In short.

इनकम एक्सीड फिफ्टी लैख टू वन करोड़ टेन परसेंट वन करोड़ टू टू करोड़ टू करोड़ है तो ट्वेंटी तो होता था हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी एस सी में मैक्सिम सरचार्ज रेट को ट्वेंटी फाइव परसेंट पे लाया है सर तो वो थर्टी सेवन चले गया है ओल्ड स्कीम में न्यू स्कीम में पच्चीस किया है

भारत देश के हर बच्चे से पूछता हूं दो में 2024 के लिए क्या बेनिफिट क्रिएट किया गया था क्या हाँ मैक्सिमम सर भी आपने कितने पे ला लिया 25 अब ऐसा क्यों किया चलो लॉजिकल रीजन बताता हूं अमेंडमेंट के साथ लॉजिकल रीजन बताता हूं अमेंडमेंट के साथ सर होता ऐसा था जरा कैलकुलेटर लीजिए मैक्सिमम रेट चलिए सिर्फ मुकेश अंबानी सर के लिए टैक्स निकालते हैं ठीक है मुकेश अंबानी सर के लिए फिर टैक्स ही पूरा उनका है, क्या चलो टैक्स रेट थर्टी परसेंट पे आ रहे होंगे सर प्लस पांच करोड़ के ऊपर कमा रहे होंगे मतलब थर्टी सेवन परसेंट सर चार्ज एड थर्टी सेवन परसेंट प्लस फोर परसेंट मतलब जो व्यक्ति भारत में पांच करोड़ रुपए के ऊपर कमा रहा था उसका टैक्स रेट भारत में हो जाता था 42.744 परसेंट वेट अ मोमेंट इसी को तो हम एम कह रहे हैं पलटो पलटो इसी को तो हम क्या कह रहे हैं एम एम आर मैक्सिमम मार्जिनल रेट इसी को तो हम एम एम आर कह रहे हैं आप समझा एम एम आर कैसे निकलता था एम एम आर का मतलब होता था पेज पलटिए लिखिए थर्टी परसेंट ऑफ टैक्स प्लस थर्टी सेवन परसेंट ऑफ सरचार्ज प्लस फोर परसेंट ऑफ एच तो जो लोग पांच करोड़ के ऊपर कमाते थे उनका टैक्स रेट ही बन जाता था 42.744 उनका टैक्स रेट कितना थावन फोर फोर परसेंट अब आप सोच करके देखिए आदमी मोटिवेटेड रहेगा इंडिया में बिजनेस करने के लिए नहीं वो आदमी बिल्कुल मोटिवेटेड ना रहे इंडिया में बिजनेस करने के लिए वो बोले एक तो साल में इतनी मेहनत करके कमाऊ समझना मैं इतनी मेहनत करके कमाऊं उसमें से 43 थ्री परसेंट लगभग कौन लेके चल जाए सरकार या थे? और ये ये तो तो डीटी है समझ रहे हो गवर्नमेंट इज एन इनडायरेक्ट पार्टनर डीड एंड कैपिटल धंधा इंडिया में करना चाहेगा कोई नहीं करना चाहेगा वो बोलेगा भाई मैं इंडिया में आऊं क्यों मैं आपको बताता हूँ एक स्मार्ट यूट्यूबर बहुत स्मार्ट मतलब स्मार्ट चलिए शुरुआत करते हैं किसकी बात कर रहा हूं मैं बराबर है स्मार्ट यूट्यूबर इंडिया में रहते ही अब भाई इंडिया में रहो तुम 42% टू परसेंट टैक्स दो आदमी के जितने शौक है ना बात समझना वो आदमी इंडिया से छह घंटे दूर दुबई में बैठा है इनकम टैक्स जीरो तो बाकी यूट्यूबर जो सेम चीज ही कर रहे हैं वो इंडिया में कमा रहे हैं कमा शायद उतने ही रहे हैं पर वो टैक्स भी दे रहे हैं वो बंदा छह घंटे दूर बैठा है अब इसके बाद क्या होता है इसके बाद गजब काम करते हैं वो टैक्स भरने के जगह एमिरेट्स का फिर फर्स्ट क्लास में घूमते हैं क्या गलत है <laughs> लॉजिकल है लॉजिकल स्मार्ट डिसीजन हाँ ऐसा हो सकता है कि उनका पूरा फैमिली वहां रहता हो ये बात अलग है पर ये भी तो बहुत स्मार्ट डिसीजन है ना क्योंकि आज अगर देखा जाए तो उनका सबसे बड़ा सब्सक्राइबर बेस कहां से होगा इंडिया से बात समझना सबसे बड़ा सब्सक्राइबर बेस इंडिया से होगा लॉजिकली देखो टैक्स अवॉइड अब जितनी इनकम सिर्फ इंडिया से आ रही होगी उस पर टैक्स होगा जितनी इनकम सिर्फ कहां से आ रही होगी इंडिया से आ रही होगी उस पर तो इंडिया का मोटिव इंडिया में जो रहने वाले हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स थे HNS थे इनका मोटिवेशन ही खत्म हो रहा था इंडिया में रहने का बोले हम रहे क्यों इतना ह्यूज टैक्सेशन सिस्टम लगा के रखा है तुमने आपने 2016 में तो कह दिया था भाई और बहनों मैं अमीरों से लूंगा गरीबों को दूंगा बात तो सही थी कि अमीरों से लिया पर इतना ले लिया कि वही परेशान हो गए बात समझ ना 42% यार इमेजिन करिए एडीजेड को कितना चुपता होगा 42 744% समझ ना रहे बात उनको कितना चूबेगा जो बेचारे इसके फीस भी ले रहे होंगे फास्ट ट्रैक की 42 मैंने क्या बोला लोई जीरो 42 का टेंशन ही नहीं <laughs> बात समझ में आया। मैक्सिमम मार्जिनल रेट समझ में आया अब अमेंडमेंट क्यों हुआ ये समझ में आया उन्होंने अमेंडमेंट इसलिए किया क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो रहा था ये बहुत दो साल तीन साल से यही चल रहा था तो उन्होंने बोला आप थोड़ा न्यूट्रलाइज कर लो 2024 हजार चौबीस दो तो फिर हम देखेंगे ना क्या करना है <laughs> एक बार आ जाए उसके बाद देखेंगे क्या करना है वापस से तो इसलिए क्या किया गया इसको पच्चीस किया गया ये उसके पीछे के लॉजिक से क्लियर है मालिक अब लॉजिक तो सब समझ में आ गए लिखना भी पड़ेगा क्या धरती पे या ना तब तो मजा आएगा इधर आओ रिबेट के नीचे लिखो सरचार्ज कैपिटल गेन एंड डिविडेंट इनकम अदर इनकम ठीक है अप टू फिफ्टी लैख डैश डैश फिफ्टी लैख टू वन करोड़ बोलो कितना Ten percent, ten percent, one crore to two crore, fifteen percent, fifteen percent, two crore to five crore, fifteen percent and twenty five percent, above five crore, fifteen percent and twenty five percent. If income including capital gain and dividend income exceeds two crore but not covered in four or five 15%, fifteen percent fifteen percent क्या है आपका नेक्स्ट अमेंडमेंट फा दो हज़ार तेईस डन चलो जी आप सभी को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है सब लोग वेट कर रहे थे राम मंदिर आएगा जब तक के मार्केट ऐसा ऊपर जा रहा था याद है सबको आज मार्केट एक हजार पॉइंट डाउन हो गया अभी मार्केट स्ट्रेट एक हजार पॉइंट डाउन आज सब ब्लड बात है पूरा का पूरा एक हजार पॉइंट मार्केट डाउन क्या कर सकते कोई ऑप्शन नहीं चलो ये डन हो गया कैन यू प्लीज जस्ट टच दी अमेंडमेंट पॉइंट्स पहला क्या इसमें अमेंडमेंट है एसएससी दूसरा स्लैब तीसरा रिबेट चौथा रिबेट विद मार्जिनल रिलीफ पांचवा सरचार्ज सबको समझ में आया रुक जाओ ये वही बात लिखी हुई है अब आपको एक काम है पूछो कौन सांग डिडक्शन्स आर नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 115 एंड ठीक मैं हेड लिख रहा हूं आप उसके अंदर का लिख दीजिएगा फिल इन द ब्लैंक्स बराबर योर टाइम स्टार्ट्स नाउ फिल इन द ब्लैंक्स बताओ आईओबी सी इन रिस्पेक्ट ऑफ एसओपी GBP mesmo. Deduction for family pension Reduction in chapter six A except few ten double A then बेटा चेक तो ये फॉलोइंग डिडक्शन आपको मिलने वाले चलो बेटे आ जाओ दैट वॉज हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए सी कंप्लीटली नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर आते हैं नेक्स्ट सेक्शन है आपका हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए बी ध्यान से सीधा हंड्रेड एंड 115 बी ए बी अब जरा समझना आपको क्या दिया है देखो आपको यहाँ पे ना मॉड्यूल के अंदर में टैक्स रेट दिया है और बहुत सारी चीजें इसके बारे में मेंशन भी है कुछ आगे कुछ पीछे अब इस बात को समझना

115 एंड मतलब कोई भी कंपनी जैसे अगर आप मान लीजिए लिमिटेड अब एकत्व लिमिटेड कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है क्या आंसर इज नो पर कंपनी है ये yes. कंपनी बोल करके अगर रजिस्टर्ड है तो आपके लिए 115 एंड ये कंपनी जो है इनको क्या करना पड़ेगा ये स्कीम ऑप्ट करनी पड़ेगी अगेन चाहे तो वो ओल्ड स्कीम के अंदर में रह सकते हैं चाहे तो वो क्या कर सकते हैं ओल्ड स्कीम के अंदर में रह सकते हैं जनरली कंपनी का टैक्स रेट क्या था थर्टी या ट्वेंटी हेलो यस yes, यहाँ पे उन्होंने बोला हम कंपनी का टैक्स रेट कर रहे हैं 22% पर सरचार्ज विल बी मैंडेटरी 10% पहले रुपए से सरचार्ज विल बी मैंडेटरी कितना बेटा 10% अब कैलकुलेटर उठाइए 22% विल बी द टैक्स रेट प्लस 10% परसेंट विल बी द सरचार्ज प्लस 4% परसेंट विल बी द सेस कंपनी का इफेक्टिव टैक्स रेट क्या आ गया 25.16 अब सोच करके बताइए गवर्नमेंट ने कई सालों पहले वादा किया था हम कंपनी को 25 परसेंट पर ला देंगे आर दे फुलफिलिंग देयर कमिटमेंट समझ में आया ये है वो पॉइंट तो इन्होंने कंपनी को मेक इन इंडिया में प्रमोट करने के लिए या अदर कंपनीज के लिए भी इन्होंने क्या लेके आ गए सीधा ट्वेंटी तो ऐसी कंपनी लेट्स एकत्वम लिमिटेड जो कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही इनके लिए जनरल टैक्स रेट है ट्वेंटी सर वही अगर इन कंपनीज को स्पेशल इनकम आ गई फॉर एक्साम्पल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो स्पेशल इनकम एट स्पेशल रेट प्लस सरचार्ज ऑफ टेन परसेंट प्लस एच ईसी सरचार्ज यहां पे एक रुपए से क्या है मैंडेटरी एंड सरचार्ज का रेट कितना है टेन परसेंट सरचार्ज का रेट कितना है टेन परसेंट समझ में आ रही है बात राइट अच्छा तो दीज इनकम आर टैक्सेबल एट द रेट ऑफ ट्वेंटी फाइव पॉइंट एट परसेंट स्पेशल इनकम विल बी टैक्सेबल एट स्पेशल रेट क्लियर है अच्छा जी सर सर ये कंपनीज जो है इनको क्या क्या करना है अगेन वही कुछ डिडक्शन एंड एग्जम्पन इनको भी क्या करने हैं छोड़ देने हैं कुछ डिडक्शन एंड एग्जाम्शन इनको भी क्या करने हैं छोड़ देने हैं देखेंगे डिस्कस करेंगे आओ सबसे पहले एंड डिस्कस बी ए ए सबसे पहले 115 एंड सबसे बी ए ए चेक करो किसके ऊपर एप्लीकेबल है बेटा एनी डोमेस्टिक कंपनी Effective tax rate कितना है कैसे ये समझ में आया, राइट right? अच्छा जब भी कोई कंपनी के ऊपर है minimum alternate tax. इनके ऊपर नहीं होता इनकम ऑन विच कंसेशनल रेट इज एप्लीकेबल दिस रेट आर एप्लीकेबल सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन वॉट अबाउट स्पेशल इनकम स्पेशल इनकम एट स्पेशल रेट अलॉन्ग विदेंट एन 4% अच्छा जी सर सर व्हाट अबाउट एचपी इनकम और आईएफओएस इनकम ये तो बिजनेस इनकम नहीं है इनके लिए टैक्स रेट वही 25.168% हर अदर इनकम के लिए इनका रेट टैक्स रेट सिंपल है 25.168% यस पॉइंट yes नो no? अच्छा कुछ डिडक्शन और एग्जाम्शन लेने हैं ऑप्शन वंस टेकन कैन नॉट बी विड्रॉन इन्होंने एक बार अगर 115 एंड बी ए का ऑप्शन ले लिया तो ये विड्रॉ कभी भी हो सकता नहीं है ये विड्रॉ कभी भी हो सकता नहीं है अलाउड अच्छा नहीं है अब सोच के देखो कंपनी को सैलरी इनकम आ सकती मतलब वो सैलरी वाले पूरे पॉइंट बाजू कर दो हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी एस सी की लिस्ट याद है ना पक्का कंपनी को सैलरी इनकम आ सकती तो सैलरी वाले, वाले बाजू कर दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कंपनी में होता है क्या उसको भी बाजू कर दो है तो भी एसओपी का बेनिफिट का डिडक्शन मिलने वाला नहीं है कैपिटल गेन छोड़ दो आईएफओएस भी छोड़ दो क्योंकि फैमिली पेंशन कंपनी को मिल सकता नहीं हम कंपनी एसएससी सी की बात कर रहे हैं यानी ले देके एक ही है जिसके डिडक्शन रिस्ट्रिक्टेड होंगे बोलो कौन से पीजीबीपी पीजीबीपी में क्या क्या छोड़ना था जरा याद करो पहले एडिशनल डेप्रीसीटी टू ए डी थर्टी थ्री ए बी थर्टी थ्री ए बी ए साइंटिफिक रिसर्च डोनेशन टू अदर्स थर्टी फाइव एडी थर्टी फाइव सी याद आ रहा है तुम्हारे को पढ़ लो कोई नीचे लिखा है यहाँ पे एक और सिर्फ एड हो जाएगा 35 CCD, क्योंकि उसका डिडक्शन कंपनी को मिलता है बराबर एक्समशन में माइनर इनकम एड होती नहीं डेली अलाउंस उनको मिलते नहीं यानी सिर्फ एक ही बचता टेन डबल ए और डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स ए यहाँ पे कंपनी के लिए तीन ही डिडक्शन होते हैं ए टी जे जे ए एटी एल ए और ए टी एम राइट ये तीन ही होते हैं ये तीन आपको मिलेंगे बाकी कोई और डिडक्शन मिलने वाला नहीं है यानी अगर आप ध्यान से देखें इनको सिर्फ पी वाला कॉन्टेक्स्ट याद रखना है बाकी कोई कॉन्टेक्स्ट याद रखने की जरूरत नहीं है चलो वापस क्या क्या छोड़ना है सबसे पहले एडिशनल डेप्रिसिएशन दूसरा साइंटिफिक रिसर्च साइंटिफिक रिसर्च में भी कौन सा छोड़ना है डोनेशन टू अदर्स याद आ रहा है क्या डोनेशन टू अदर्स स्पेसिफाइड बिजनेस छोड़ना है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट राइट ऑल डिडक्शन एक्सेप्ट ए टी जे जे ए टी एल एम क्लियर है मालिक चलो तो इसको भी शॉर्ट में लिखेंगे सेक्शन का नाम बोलो 115 एंड फिफ्टीन बी ए सी कौन होना चाहिए डोमेस्टिक कंपनी दूसरा इनके लिए टैक्स रेट्स क्या होंगे एनी वन जनरली ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन सिक्स एट परसेंट कैसे आया ये ट्वेंटी टू परसेंट प्लस टेन परसेंट प्लस फोर परसेंट इनकी स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट प्लस टेन परसेंट सरचार्ज प्लस फोर परसेंट एच ई सी बर है फॉलोइंग डिडक्शंस आर नॉट अलाउड चलो बोलो कौन कौन से डिडक्शन अलाउड नहीं है अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी फिर कुछ चीजें डिडक्शन से और कुछ चीजें एक्जम्शन से एक्सम्शन से तो सिर्फ टेन डब्लू एसीड वाला डिडक्शन से ऑल डिडक्शन इन चैप्टर सिक्स ए एक्सेप्ट एटी जे जे ए एल ए एम एटी जे जे ए याद होगा तो न्यू एम्प्लॉयमेंट पे बेस था ए एल ए बैंक के लिए था एटीएम डिविडेंड वाला था अगर कंपनी कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर करती है वो वाला पीजीबीपी से क्या छोड़ना है जल्दी बताओ पहला एडिशनल डेप्रीसी दूसरा डिडक्शन अंडर सेक्शन थर्टी टू ए डी थर्टी थ्री ए बी थर्टी थ्री ए बी ए Donation for scientific research to others, specified business under section thirty five AD, reduction under section thirty five CCC, thirty five CCD. थोड़ी सी मेहनत कम करनी है तो यहाँ पे लिख दो अंडर सेक्शन हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी एब्लिक हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए बी बी ए की भी की भी लिस्ट जो है वो कॉमन है वो भी कंपनी के लिए ही करने वाले हैं अपन डेन है सर एच हाँ बहुत हार्ड था 115 एंड फिफ्टीन बी ए बहुत हार्ड था ना अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है मालिक आपका नेक्स्ट सेक्शन है आपका बी ए बी नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है आपका ऑप्शनल स्कीम नहीं है तो मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए इन्होंने क्या किया लेकर के आए डोमेस्टिक कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग में है पहले ध्यान से सुनो काम आएगा अब इस पर्टिकुलर सेक्शन में पांच टैक्स रेट है इस पर्टिकुलर सेक्शन में पांच टैक्स रेट है चार या पांच टैक्स रेट है सुनना पहला अब क्योंकि इनको इंडिया को क्या करना था प्रमोट करना था, दे हैव विद टैक्स रेट ऑफ़ पतंजलि करता है एक दो अरे, मतलब एक दो प्रोडक्ट अभी तक वो आए नहीं ना हर्बल फॉर एग्जाम्पल पेंसिल स्टेशनरी शार्पनर रबर ये सब अभी तक हरबल आए नहीं ना इसके लिए राइट right? अब समझना मैन्युफैक्चरिंग करता है लेकिन क्या पतंजलि की इनकम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से आती होगी क्या सोच के देखो हाँ या ना, ना। यानी पतंजलि को टेक्निकली लिखना मत जब तक के ना बोलू मतलब एक पतंजलि को इनकम आती होगी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से करेक्ट लिखना मत जब तक के ना बोलू मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से जो इनकम आती है ना इनके लिए 17.16% टैक्स रेट है मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग से तो पतंजलि को कौन-कौन सी इनकम आती होगी पतंजलि को सबसे पहली इनकम आती होगी जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से आती होगी इनके लिए टैक्स रेट रखा है 15% प्लस 10% सरचार्ज प्लस 4% एचएससी चेक करो कैलकुलेटर पे 17.16%

तीसरी पतंजलि को आती होगी अदर इनकम अदर इनकम मतलब एचपी से आता होगा डिविडेंड से आता होगा इंटरेस्ट से आता होगा ये भी तो उनके लिए इनकम बनती होगी ना पर ये मैन्युफैक्चरिंग से आने वाली इनकम नहीं है इन्वेस्टमेंट से आने वाली इनकम है इनके लिए टैक्स रेट है ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन सिक्स एट परसेंट सरकार का ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर था मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से आने वाली इनकम का टैक्स रेट कम करो नॉन मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए वही रेट लग दो ट्वेंटी कैसे आया था बराबर बाकी जितनी अदर इनकम है ये सब किसके अंदर में डाल दो ट्वेंटी फाइव पॉइंट एट परसेंट बराबर अब अगर एओ असेसमेंट करता है एओ क्या करता है असेसमेंट करता है और कुछ नॉन कंप्लायंस मिल जाते हैं कुछ क्या मिल जाते हैं नॉन कंप्लायंस मिल जाते हैं तो उसके लिए टैक्स रेट है 34.32 फोर पॉइंट थर्टी टू परसेंट अगर एओ ने ऐसी उन्होंने देखा कि भैया ये लोग क्या कर रहे हैं गलत काम कर रहे हैं गलत काम मतलब नॉन मैन मैन्युफैक्चरिंग इनकम को भी मैन्युफैक्चरिंग दिखाना पॉसिबल है ना कोई भी कंपनी करना चाहेगी देखो कितना बच जाएगा 25 परसेंट की जगह कितना लगेंगे 17 वो बोलेंगे देखो हम तो लीगल इनकम दिखा रहे अबे लीगल इनकम दिखा रहे टैक्स रेट सही थोड़ी नहीं लगा रहे समझ में आ रही है बात प्लस आगे चल के कुछ टीपी के नॉन कंप्लायसेस की ट्रांसफर प्राइजिंग के नॉन कंप्लायंस की इन्होंने इसके लिए टैक्स रेट थर्टी ये कैसे आया होगा 30 परसेंट टैक्स प्लस 10 परसेंट सरचार्ज प्लस फोर परसेंट एच समझ में आया यानी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इसके अंदर ही उनने कितने रेट रख दिए चार उन्होंने बोला आई एम सो सॉरी उन्होंने बोला

पच्चीस पे लेके आएंगे लाख के कितने पे रख दिया 15. अब आप सोच के बताओ वो जो बड़ी बड़ी है, है, उनके लिए तो, तो, तो मिल ही रहा है ना बात समझना एडिशनल में क्या होता था पहले साल में ज्यादा मिलता था वो बोलतेशन छोड़ दे क्या फर्क पड़ने वाला है थर्टी थ्री ए भी थर्टी टू ए भी तो वैसे भी बहुत कंपनीज में आता ही नहीं डोनेशन टू अदर्स नहीं करेंगे इन हाउस करेंगे दूसरो को नहीं देखेंगे अपना देखेंगे, बात समझ ना सिंपल है ना मेरा बात समझ साइंटिफिक रिसर्च को मना नहीं कर रहे डोनेशन टू अदर को मना कर रहे कितना लेवल प्ले ग्राउंड करके रखा है उन्होंने अब वो कितना भर रहे जो कंपनी 30 परसेंट में आती थी उसको 17 परसेंट में लाके रख दिया कंपनी का वर्किंग कैपिटल बढ़ गया कंपनी ग्रो करेगी तो स्टॉक मार्केट स्टॉक प्राइजेस ग्रो करेंगे ही करेंगे स्टॉक मार्केट जो ग्रो हो रहा है उसका सिर्फ एक रीजन राम मंदिर नहीं था समझ आ रहा है राम मंदिर भी एक रीजन था इसमें कोई डाउट नहीं है पर कई लोग ये सोच रहे स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा था क्यों क्योंकि राम मंदिर बनने वाला है अरे भाई थोड़ा सा टैक्स समझ थोड़ा सा लॉस समझ देखो समझ में आएगा कि सिर्फ एक रीजन हाँ बहुत सारे फैक्टर है ना जो प्ले कर रहे हैं बहुत सारे फैक्टर है जो रोल प्ले कर रहे हैं भैया रिलायंस और अडानी ग्रुप गुजरात ग्लोबल समिट में जाकर के बोलते हैं हम दो लाख करोड़ चार लाख करोड़ इन्वेस्ट करने वाले हैं इन द अपकमिंग फ्यूचर ऑब्वियसली बात है शेयर होल्डर का वेल्थ बढ़ने वाला है शेयर होल्डर इन्वेस्ट करेगा ही करेगा तो फिर 2300 का शेयर 2600 में नहीं पहुंचेगा तो क्या पहुंचेगा इट हैज गॉट मल्टीपल रीजन लॉ समझ में आया सभी को चलो वापस से पतंजलि जैसी अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इनके टैक्स रेट कितने हैं चार जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से आ रहा है वो कितना 17.16 परसेंट नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से आने वाला 25.168 परसेंट स्पेशल इनकम एट स्पेशल रेट बराबर है और अगर ऐसा कुछ एओ ने पकड़ लिया जो नॉन कंप्लायंस के अंदर में थर्टी टू पॉइंट Uh, 34.32% बात समझ में आई सभी को अच्छा तो आओ इधर देखना एसएससी कौन होना चाहिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टॉप सर मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होता है ये तो बताओ मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या ये तो बताओ उन्होंने कहा देखो हमें ये तो नहीं पता मैन्युफैक्चरिंग क्या है पर हम ये जरूर बता देंगे क्या मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो उन्होंने एक एग्जॉस्टिव लिस्ट दी है पेज नीचे लेके आओ What is not a manufacturing? देखो जरा दिख दिख रहा है आपको, दिख रहा है है आपको क्या ये चीजें नहीं मानी जाएगी ये चीजें क्या नहीं मानी जाएगी manufacturing नहीं मानी जाएगी। पहला डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन एनी फॉर्म एंड एनी मीडिया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना रहे हो ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है ये उन्होंने क्लियर करके दिया समझ में आई बात? दूसरा माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तीसरा मार्बल ब्लॉक्स को अगर मार्बल स्लैब्स में कन्वर्ट कर देते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है बॉटलिंग ऑफ गैस इनटू सिलेंडर यानी एचपी इंडियन एम जो कर रहे हैं ये मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आएगा प्रिंटिंग ऑफ बुक्स एंड पब्लिकेशन इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग समझ रहे हो प्रिंटिंग ऑफ बुक्स एंड पब्लिकेशन इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग राइट प्रोडक्शन ऑफ अ अमेटोग्राफिक फिल्म इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग तो आपने कोई नई पिक्चर बना दी मैन्युफैक्चरिंग <laughs> 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 नहीं है एनी अदर बिजनेस एज मे बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड फ्यूचर में इसके अलावा और कुछ भी कहे तो ये मैन्युफैक्चरिंग में आता नहीं तो चलो क्या क्या नहीं आएगा पहला सॉफ्टवेयर दूसरा माइनिंग तीसरा ब्लॉक इन टू स्लैब्स चौथा बॉटलिंग सिलेंडर्स पांचवा प्रिंटिंग ऑफ बुक्स और सिनेमाटोग्राफिक फिल्म राइट एनी अदर बिजनेस एज मे बी स्पेसिफाइड इन फ्यूचर ये सब को छोड़ के बाकी सब किस में आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग में आ रहा है ठीक है सर सर कौन कौन से डिडक्शन क्लेम नहीं करने हैं कॉमन लिस्ट वही जो 115 एंड बी ए में थी क्योंकि तो कंपनीज के लिए ही हम बात कर रहे हैं तो वो लिस्ट क्या है पूरी की पूरी कॉमन ठीक है चलो आओ डाउन सेक्शन 115 बी ए बी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एस क्या होना चाहिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग डू नॉट इंक्लूड बोलो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर माइनिंग कन्वर्जन ऑफ Marble block into slab, bottling of gas, printing of books, making films. Following deductions not allowed leffer list hundred and fifteen BA third tax rates. सर माइनिंग मिनरल वाली है या क्रिप्टो वाली लॉ मेकर ने इतना डीप सोचा ही नहीं उनने माइनिंग लिख दिया वैसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ क्रिप्टो माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग हो भी सकता है क्या बाय कॉमन सेंस ऐसे मेरे मन का सवाल है थोड़ा कॉमन सेंसिकल नहीं मैं जरा क्रिप्टो वाला नहीं हूँ इसलिए पूछा

इज दिस डन अब तो हाँ बोल दो टैक्स रेट समझ में आए चलो आओ इधर देखो जनरल टैक्स रेट कितना है सेवेंटीन पॉइंट सिक्सटीन परसेंट येस स्पेशल इनकम विल बी एट स्पेशल रेट स्पेशल इनकम एट स्पेशल रेट नेक्स्ट अगर एओ क्लोज कनेक्शन वाले केसेस पकड़ लेता है तो थर्टी फोर पॉइंट थर्टी टू परसेंट अदर इनकम एच या आई से आती है तो ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन सिक्स एट परसेंट फर्दर इनको कुछ और कंडीशंस भी है जो सेटिस्फाई करनी है यहाँ एक अमेंडमेंट आया है प्लीज सुनिए यह कंपनी जो है ये रजिस्टर होनी चाहिए टू 19 के बाद एंड अपनी मैन्युफैक्चरिंग चालू कर देनी चाहिए बिफोर 2024. पिछले साल तक यहां लिखा था यही सो बिग डील ठीक है तो मैन्युफैक्चरिंग 2024 से पहले चालू कर देनी चाहिए सर ऐसी क्यों बोल तो पाओगे in हमने ही लगाया था 2024 में इलेक्शन आ जाए क्या पता सरकार बदल जाए कुछ हो जाए अगर वापस रह गए तो इसको 25, 26, 28 कर देंगे समझ में नहीं तो चौबीस में खत्म करके खत्म करेंगे नेक्स्ट इट शुड नॉट बी फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन इट शुड नॉट बी फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट इन सेक्शन थर्टी थ्री बी ये जो बिजनेस होना चाहिए ये भी कैसा बिजनेस होना चाहिए नया

डिस्ट्रॉय क्यों होता है फ्लड आया था अर्थक्वेक आया था टाइफून आया था सिविल वॉर हुई थी कुछ सुना सुना सब लग रहा है और आपने क्या कर दिया बिजनेस को रिवाइव कर दिया इन थ्री इयर्स तो इसे न्यू बिजनेस अचूम किया जाता है इसे क्या किया जाता है न्यू बिजनेस अछूम किया जाता है ऐसा कहता है सेक्शन थर्टी थ्री बी थर्टी थ्री बी कहता है जो इस सेक्शन का बेनिफिट ले रहा है, ये नई कंपनी होनी चाहिए। अगर सर इट यूज एनी एंड मशीनरी प्रीवियसली यूज इसमें जो प्लांट मशीनरी भी यूज होनी चाहिए होनी चाहिए नई हालांकि दो प्लांट मशीनरी को नई प्लांट मशीनरी मानेंगे पहला विच इज यूज आउटसाइड इंडिया एंड इम्पोर्टेड इन न्यू इंडिया अगर फॉरिन की है तो हमेशा न्यू ही मानेंगे भले ही कितना ही यूज किया हो <laughs> मशीन अगर फॉरन की है मशीन अगर कहाँ की है फॉरेन की है तो जब भी उसको इंडिया में लाओगे हम उसे क्या मानेंगे न्यू बराबर है तो आप ऐसा मान लीजिए गल्फ कंट्रीज से यूएस यूके रशिया ऐसा कहीं से भी कुछ इंपोर्ट करके लेके आते हो तो ये मशीन क्या मानी जाएगी न्यू भले वो कितने भी यूज क्यों ना हो दूसरा अगर वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी ड नॉट एक्सीड ट्वेंटी परसेंट ऑफ वैल्यू ऑफ टोटल प्लांट एंड मशीनरी यस वैल्यू अगर जो सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी की अब देखिए अगर आप सारी प्लांट एंड मशीनरी लिखेंगे तो जरूरी नहीं है सबके सब न्यू ही हो आप बोल सकते हो अगर मेरे को सेकेंड हैंड अच्छे में मिल रहा है अरे मतलब सौदा अच्छा है सेकेंड हैंड का तो फिर मेरे को फर्स्ट हैंड सेकेंड हैंड से क्या फर्क पड़ रहा है समझ रहे हैं हम बात को राइट right? तो ये तो फर्क नहीं पड़ रहा मशीन अच्छा होना चाहिए so, इतने बेकार लोग हैं ये लोग मैं एकदम अच्छे से ये चीज समझा रहा हूँ ईमानदारी से ये लोग इतने गजब जगह लेके जा रहे हैं ना उसको को भी बिगाड़ रहे हैं ठीक है The value of second-hand plant and machinery does not exceed 20% of total value of plant and machinery. अगर second-hand plant and machinery अच्छा है, आप ले सकते हो, but याद रखता हूँ, वो 20% से ऊपर नहीं जाना चाहिए. Next, it does not use building which is previously used as hotel or convention center. अगर ये building hotel or convention center बोलकर के use की गई है, तो ये building नहीं चलेगी. मतलब मान लीजिए, पहले उस building में OYO hotel हुआ करता था. अब वो बिल्डिंग आप बोलोगे मैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करूंगा नहीं चलेगा पूछो ना क्यों सर उस बिल्डिंग में खराबी क्या है अरे सवाल उठे अरे मतलब सवाल उठेगा ना उस बिल्डिंग में ऐसा क्या खराबी है कि अब मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज नहीं होता नहीं नहीं साहब उस बिल्डिंग में कोई तकलीफ नहीं है लॉ ऐसा कहता है अब लॉ ऐसा क्यों कह रहा है समझदारी तो लॉ ने भी रखी होगी कुछ लॉ ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि सेक्शन एट्टी आई से लेके आई तक के एक सेक्शन होता था जिसने पहले होटल या कन्वेंशन सेंटर के लिए ना 100 परसेंट टैक्स डिडक्शन दिए थे तो ऐसा हो सकता है कई लोग क्या करें पहले उसे कई के लिए यूज करते होंगे होटल बोल करके वहां 80 में पूरा डिडक्शन लिया होगा और जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग बोला अब वो मैन्युफैक्चरिंग में एंटर करके कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग करके फिर डिडक्शन ले लेंगे मतलब सेम ही प्लेस का दो बार डिडक्शन एंड दैट इज द लॉजिक वो अलाउड नहीं तो आप ऐसे दूसरे एंगल से मत सोचो वहां ऐसा प्लेस खराब हो गया होगा तो अब यह मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज नहीं हो सकता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ऑप्शन वन स्टेकन के नॉट बी विड्रॉन ऑप्शन वन के नॉट बी विद्रॉन अब मैं आपको एक बात बताऊ अच्छी वाली अच्छी वाली बात यह है मैंने अब ये जो पंद्रह मिनट में लास्ट में पढ़ा है ना इसमें से तुमने कुछ भी ध्यान नहीं दिया और तुम ये वेट कर रहे कब मास्टर इसको लिख दे शॉर्ट में और काम खत्म करे या। बरे बरे की नहीं कुछ ध्यान नहीं दिया तुमने क्या बोल रहे बराबर है चलो फॉलोइंग आर additional condition following are the additional conditions pala company must start after one full 2019 manufacturing must start before mm. थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर ये डेट में अमेंडमेंट है सेकेंड इट शुड बी अ न्यू बिजनेस एक्सेप्ट गिवन इन सेक्शन थर्टी थ्री बी थर्ड इट शुड यूज न्यू प्लांट एंड मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी न्यू प्लांट एंड मशीनरी पॉइंट नंबर ए सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी बोलता है बेकार हाथ में सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी इफ इट डज नॉट एक्सीड ट्वेंटी परसेंट ऑफ टोटल प्लांट एंड मशीनरी समझ रहे हो लड़के को अटेम्प्ट के कितने एक्सपीरियंस है प्लांट एंड मशीनरी इम्पोर्टेड फ्रॉम फॉरेन इसे इंडिया में क्या माना जाएगा न्यू विचारधाराओं का फर्क है एक मिनट ये ये हो हो गया गयो गया गुड कंडीशन हो गई डज नॉट क्लेम डिडक्शन फ्रॉम सेक्शन मेन्शन जी डन सर आपकी वजह से हम जल्दी बड़े हो रहे हैं रात में जब सोता रहेगा तो सोचना अकेले मेरी वजह से ही बड़े हो रहे क्या <laughs> <laughs> छोटा भाई मैं बैक बेंचर यार मत भीड़ भी पे दे। चलो अब मैं क्या बोलता हूँ जितना पढ़ा उसका ठीक है Let's start. हमने दो लास्ट में लिख हमने। ठीक है लेट एस फोकस हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए बी आप देख सकते हैं मैंने आपको कल भी मॉड्यूल में दिखाया था कि इनके टेक्सट अब आपके मॉड्यूल के अंदर में है इसलिए पूरा सेक्शन बाकायदा पढ़ा दिया और इजी भी है टैक्स रेट दिया है तो आगे का फर्दर पढ़ने में कुछ और नहीं जा रहा एक बार हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी एसी की लिस्ट याद हुई वही लिस्ट उठा के आप यहां रख रहे हो कुछ नया नहीं कर रहे हो चलो जल्दी से बी ए बी ए बी में मुख्य फर्क क्या है ट्राई करो और सब लोग बोलो हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी एज फॉर डोमेस्टिक कंपनी वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ठीक है अच्छा यहाँ पे दो ही टैक्स रेट है ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन सिक्स एट परसेंट स्पेशल इनकम एट स्पेशल रेट ठीक है

नहीं आता इस बारे में बोला तो ये चीजें मैन्युफैक्चरिंग नहीं मानी जाएगी मतलब दीज कंपनी डू नॉट है तो हमने एग्जांपल लिया पतंजलि को कौन कौन सी इनकम आती होगी पहली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होगी तो उसके लिए ट्वेंटी इनकम एट स्पेशल रेट अगर ने आपके क्लोज कनेक्शन वाले केसेस पकड़ लिए राइट थर्टी फोर

हालांकि दो प्लांट एंड मशीनरी को हम इंडिया में न्यू मान लेंगे पहले जो फॉरन से लाइ है वो दूसरी अगर सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी ओवरऑल प्लांट एंड मशीनरी के ट्वेंटी परसेंट से ऊपर नहीं है तो बीस परसेंट के लिए झमेला नहीं करेंगे ये भी न्यू हो गई चौथा तो वो ऊपर जो दिए गए वो डिडक्शन नहीं लेना है लास्ट पांचवा बिजनेस मस्ट नॉट बी स्टार्टेड बिजनेस मस्ट नॉट बी स्टार्टेड एट अ प्लेस अर्लियर यूज एज बोलो होटल उसके आगे एक और था कन्वेंशन सेंटर कन्वेंशन सेंटर एग्जाम्पल मैरिज हॉल इधर से इधर जाते ना अपन अरे मतलब होटल से ही मैरिज हॉल में जाते ना कन्वेंशन और कन्वें होटल सर बहुत बढ़िया सर देर वेर फाइव ऑन देर वेर फाइव डिफरेंट स्कीम्स हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए सी हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए ए हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए बी और कितने बचे बी ए डी और बी ए आज ही खत्म करे क्या चलो बहुत इजी है बहुत इजी अब हम किसके लिए जा रहे को ऑपरेटिव सोसाइटी को ऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अब दो सेक्शन आए हैं पहले बैड तो था ही पर बैड इज बे अब बे भी आ गई है यस अब क्या आ गई है बे भी आ गई है चलो अब दोनों में डिफरेंस क्या है सुनो ना मैं एक सवाल पूछू आपसे देखो चीजों को बहुत इजी करके रख दूंगा मजा आ जाएगा बी ए और बी ए बी में फर्क क्या था बी ए किसके लिए था एनी डोमेस्टिक कंपनी और बी ए बी किसके लिए था डोमेस्टिक कंपनी एंगेज इन टू मैन्युफैक्चरिंग पक्की बात कॉपी पेस्ट एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग समझा अमेंडमेंट क्या है तो इन्होंने एक नया सेक्शन लाया ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग में भी है बस बाकी सब चीजें सेम अच्छा सर ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो क्या हो बेटा रेसिडेंट भी हो ऐसी को ऑपरेटिव सोसाइटी जो क्या हो बेटा रेसिडेंट भी हो इनका टैक्स रेट क्या होगा इनका टैक्स रेट क्या होगा सर जनरली कैसा जनरली 25.168 परसेंट और स्पेशल इनकम जो है ना बेटा वो आएगी स्पेशल रेट प्लस टेन परसेंट प्लस फोर परसेंट क्या मेरा प्यारा आ रहा बच्चा मुझे बता सकता है ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन सिक्स एट परसेंट कैसे आया होगा पक्की बात ओ आपको नहीं लगता ये बी ए ए से इंस्पायर्ड सेक्शन है आया ना वही तो है अब आप मुझे सोच समझ के बताइएगा ठीक है जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से इनकम आ रही होगी उसके लिए कितना होगा वाह बेटे वाह तुम तो मेकर बन गए स्पेशल इनकम से आने वाली स्पेशल रेट प्लस टेन परसेंट प्लस बोलना बच्चा फोर परसेंट और भारत की बाकी सारी अदर इनकम 25.168 परसेंट पक्की बात कोई तो है साहब बी ए को ही बी ए ई में उतार रहे हो सॉरी बी ए बी को बी ए में उतार रहे हो अमेंडमेंट समझ में आया क्या है यह सेक्शन अमेंडमेंट है टेक्निकली अमेंडमेंट कुछ है नहीं उन्होंने सिर्फ कोऑपरेटिव अस एस बदल दिया बाकी प्रोविजन सेम रख दी तो अगर लॉजिकली आप देखो पहले पूरे डेढ़ घंटा में आपको शांति से पहले तीन सेक्शन पढ़ा रहा था ये पांच मिनट में खत्म हो गया क्यों खत्म हुआ क्योंकि आपने अगर पहले ध्यान दिया होगा तो ये आपको बाई डिफॉल्ट में एक सेकंड में चल जाएगा अच्छा यही सेटअप उठा के मेरे को यहां रखना है तो ऊपर का ही जो सेटअप है वो आपको नीचे रखना है अच्छा मैं आपको एक बात पूछू पूछू क्या मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या नहीं आता वापस बोलो सॉफ्टवेयर नहीं आता माइनिंग नहीं आता मार्बल ब्लॉक इनटू स्लैब गैस सिलेंडर प्रिंटिंग पब्लिकेशन मेकिंग ऑफ सिनेमैटोग्राफिक फिल्म पक्का कट कॉपी पेस्ट समझ में आया ये चीजें मैन्युफैक्चरिंग में आएगी नहीं बस कट कॉपी पेस्ट यहां पे भी उठा के एज इट इज रख लो तो What is not manufacturing? Refer hundred and fifteen BAB. What is not manufacturing? Refer Carlo, hundred and fifteen BAB. Yes. इधर आओ सभी तो लोग ऊपर आओ पेज पे पहले आते हैं हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए डी पे हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी एडी किसके लिए है सर रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी अच्छा जी सर इफेक्टिव रेट कितना पड़ेगा ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन सिक्स एट परसेंट बराबर अब क्या क्या छोड़ना होगा

समझ में आई बात और चैप्टर सिक्स ए एक्सेप्ट ए जे जे ए फर्दर ऊपर के किसी डिडक्शन से आने वाला कोई लॉस होगा वो भी सेट ऑफ होने वाला नहीं है विदाउट सेट ऑफ ऑफ एनी लॉस और डेप्रीसिएशन ऑफ अर्लियर ईयर इफ द सेम इज एट्रिब्यूटेबल टू तो एनी ऑफ द डिडक्शन रिफर्ड इन पॉइंट ए राइट एग्जामिशन में क्या छोड़ना है टेन डबल ए अब आप सुनिए यही चार वापस से कहा लिखे हुए हैं यहां पर कि आपको क्या क्या छोड़नी है कि वही पॉइंट एज इट इज यहां पे वापस लिखे हुए हैं तो आपको नहीं लगता दोनों का एक कॉमन पॉइंट अभी लिख दें हम लोग सेक्शन और बी इट दिस सेक्शन फॉलोइंग डिडक्शंस आर नॉट अलाउड फॉलोइंग डिडक्शंस आर नॉट अलाउड पी जी डिडक्शन एग्जाम्शन के अंदर में टेन डब्लू ए सी जेड वाला डिडक्शन के अंदर में चैप्टर सिक्स ए डिडक्शन एक्सेप्ट एटी, के जे एजी बी पी में क्या क्या छोड़ना है एडिशनल डेप्रीसिएशन डिडक्शन अंडर सेक्शन थर्टी टू ए डी थर्टी थ्री ए बी थर्टी थ्री ए बी एसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन थर्टी फाइव ए डी सेक्शन थर्टी फाइव सी 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 एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट और कौन सा बोलो और कोई बचता है क्या बताए ना सर डोनेशन टू अदर्स Under section thirty five, IFIC research. जी डन चलो आइए वापस बुक के अंदर में द कंसेशनल रेट शेल नॉट अप्लाई अनलेस द ऑप्शन इज एक्सरसाइज क्योंकि ये ऑप्शनल है तो आपको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा

25.168 once taken cannot be withdrawn deduction under 115 bad cannot be taken yes only list ka jo apan ne upar di hai if losses and unabsorbed depreciation arise because of above deduction it cannot be taken ये section आया कितने तारीख से है Currently. तो इस section में additional condition है पहला registration कब हो जाना चाहिए 2023 के बाद पर मैन्युफैक्चरिंग कब चालू करनी है 2024 से पहले इट शुड नॉट फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन नॉट यूट सेकंड प्लांट एंड मशीनरी एक्सेप्ट इन तूर सिचुएशन बोलो कौन सी इंपोर्टेड फॉरेन से एंड सेकेंड हैंड डज नॉट एक्सीड ट्वेंटी ऑफ टोटल वही पूरी कंडीशन एज इट इज यस इट शुड नॉट बी एंगेज इन एनी अदर बिजनेस एंड अगर एओ वाला सीन है तो टैक्स रेट कितना परसेंट लगेगा थर्टी इफेक्टिव टैक्स रेट थर्टी फोर पॉइंट थर्टी टू परसेंट वही पॉइंट है पूरा का पूरा ये देख लो इधर एक एरो एक्स्ट्रा कर सकते हो तो कर दो ए वाला सीन अगर होगा तो थर्टी फोर पॉइंट थर्टी टू परसेंट नीचे लिख दो एडिशनल कंडीशन फॉर हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए चलो कौन कौन सी एडिशनल कंडीशन है जल्दी बताओ बेटा पहला रजिस्ट्रेशन आफ्टर वन फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एंड स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग आफ्टर थर्ट बिफोर थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी याद होगा तो इट शुड बी अव बिजनेस लिख सकता हूँ क्या कुछ और Except in case of thirty three B, it should use new plant and machinery, except imported plant and machinery, second hand. will be treated as new b if value of second hand plant and machinery does not exceed 20% of total value of plant and machinery सर जी डने टू नॉट क्लेम द डिडक्शन मेन्शन

समझ में आया तो लॉजिकली स्पीकिंग एक जगह पढ़ना दिमाग में सेट रखना दूसरी जगह सीधा कट कॉपी पेस्ट करना उतनी पढ़ाई कम करना इवन दो ये कंटेंट अब एग्जामिनेशन में है समझ में आ रही बात चलो मेरे हिसाब से आज के लिए काफी हुआ इससे ज्यादा आप सहन नहीं कर पाएंगे जीवन में ठीक है आज के लिए काफी हुआ अब हमारा क्या बचा है एक बार देख लेते पढ़ाना कुछ नहीं अब हमको सिर्फ समझ लीजिए एक हमारा कंसेप्ट बचा है अनडिस्कलोज इनकम का इस चैप्टर में और एक सीधा इसी चैप्टर के साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे एग्रीकल्चर ठीक है अच्छा आज आप सभी को कुछ होमवर्क दे रहा हूँ होमवर्क दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर वन से लेके फाइव तक के ये आपके होमवर्क है क्वेश्चन नंबर वन टू फाइव ये सभी आपके क्या है होमवर्क एक काम करो ना सात भी क्या को छोड़ रहे पूरे सातों करके आओ कल सातों के सातों हम लोग क्लास के अंदर में डन करेंगे तो सातों के साथ ईमानदारी से करके आना वैसे मैं आपको बता दूं इसका सॉल्यूशन भी आपके पास है अवेलेबल राइट बट फिर भी सातों के सातों आराम से करके आओ पॉइंट नंबर एक पॉइंट नंबर दो कल हमारा टारगेट क्या होगा कल चैप्टर नंबर वन हमारा खत्म हो जाएगा एस सेड जितना टाइम लिमिट में आपको बोला था उतने ही टाइम लिमिट में है दूसरा आज का टारगेट ये है पूरा चैप्टर नंबर वन टैक्स कैलकुलेशन इंक्लूडिंग 115 बीएसी से लेकर के एंड तक आपको आज पढ़ना है प्लस इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तीसरा कल हम लोग क्या करेंगे हम लोग अनडिस्कलोज इनकम वाला पार्ट खत्म करेंगे प्लस एग्रीकल्चर वाला पार्ट भी हम इसके साथ क्या कर देंगे खत्म ये सोनो थैंक यू सो मच लाइक करते रहिए बाय बाय सर आज का लेक्चर काफ़ी बढ़िया था थैंक यू मालिक सर ट्रैक बुक अभी तक के नहीं आई जी मैं समझ सकता हूँ सर पर पिछले तीन दिन से ना सर सब बंद था आज लगभग लगभग सात सौ आठ सौ पार्सल निकले हैं तो थोड़ा सा होट सर होटल एंड कन्वेंशन सेंटर वाला सीन क्या है दीप मैंने आपको इसका रीज़न बताया जस्ट केस आपको वापस देखना है थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए मिल जाएगा सर ट्रैक बुक अभी तक आया नहीं वही मैंने बोला बेटा आपसे जो फास्ट ट्रैक बुक है ये निकल चुका है जल्दी से जल्दी आपको मिलेगा वैसे मैंने अभी तक बुक से जो पढ़ाया है उसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है आप वहाँ से देख सकते हो सर एलओपी में लॉस है तो क्लेम करने मिल जाएगा कोई तकलीफ नहीं है जनरल वो कंडीशन ये है कि आपने एक बार इन सेक्शन को ऑप्ट कर लिया तो आपको हमेशा उसी सेक्शन में आना पड़ेगा भाई 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 थोड़ा सा थोड़ा सा भाजपा सर कल का लेक्चर सी एस वालों के लिए होगा क्या आपके लिए है पूरे लेक्चर है सर आपका एबीसी एनालिसिस वाला वीडियो आएगा क्या बहुत टाइम है आ जाएगा मार्च एंड वाला कंसेप्ट है वो सर चैप्टर की सॉफ्ट कॉपी मिलेगी क्या नहीं हाँ वो चल जाएगा प्रेरणा वो कोई तकलीफ नहीं है चलिए थैंक यू सो मच बाय एंड टेक केयर